ज्यादा हम कहते नहीं, ये मान के चलो आप 80% वोट हम यहां से खिंचवा देंगे इनकी, डॉक्टर संजीव बताएंगे विकास इतना कराया उन्होंने, हम झूठ नहीं बोलने के, जितना काम हमारा कराया उन्होंने आज लोग किसी यहाँ किसी नेता ने, किसी नेता ने काम अकेला नहीं किया। आप मुस्लिम आबादी में कहीं भी चले जाओ संजीव बालियान को वोट देंगे, और अब क्या वो चीज होगी जो कह देते हैं ना उनको एक तरफा वोट डली, इंशाल्लाह एक तरफा वोट डाल के दिखाएंगे। संजीव याद नहीं आते जो बीजेपी अपने आप डिबेट में आती है हिंदू मुस्लिम पे आप चुनाव ले जाने की कोशिश होती है, वो मुद्दे याद नहीं आ रहे आप? इस आदमी में चौधरी मनोवर जैसी झलक दिखाई देती है हमें, इसलिए हम संजीव बालियान जी के साथ हैं और साथ रहेंगे। इसके चुनाव में तो साइकिल चली थी, हाँ अब नहीं चलने की साइकिल, अब तो चल गई, अब तो पंचर हो गया, अब तो पंचर हो गया फूल के। हम संजू बालियान जी से मतलब है, हमें फूल से मतलब नहीं है। अगर वो दूसरे भी चुनाव जिनसे इलेक्शन लड़ते तब भी हम संजू बालियान जी के साथ थे, ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी की वजह से उनके साथ में है। वो किसी भी पार्टी से सिंबल लेकर चुनाव लड़ेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। तो साइकिल से या किसी चीज से हमें कोई मतलब नहीं, बालियान जी के साथ है हम और खुल के साथ है, हाँ प्रधान जी के साथ है जुनैद की, प्रधानी के आगे बीजेपी का बटन दबा तो दबा दोगे? बिल्कुल दबेगा, बराबर दबेगा। हरेंद्र मलिक जी का व्यवहार, पंकज मलिक का व्यवहार आपको आकर्षित नहीं करता? उनसे हमें मतलब नहीं है, उनसे मतलब नहीं है हमें, यहाँ तो सब बालियान के हैं, सब बालियान को। मेरा पूरा गाँव पूरे तहे दिल से ये रिकॉर्ड बनाने जा रहा, इसकी गूंज दिल्ली तक जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो पूरे गांव की वोट झड़ा मंत्री जी को जागी, हमें सिर्फ मंत्री से मतलब है। मंत्री संजीव बालियान जी को पूरा सुरडू दिलो जान के साथ सपोर्ट करेगा, वोट देगा और उनके लिए दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद ये करते हैं कि वे हैट्रिक मारेगा, तीसरी बार मंत्री जी कैबिनेट के मंत्री बन के आएंगे, ये मेरे दिल से तमन्ना है जी, पूरे गांव वासियों की तरफ से मेरा संदेश है। गांव वालों के साथ क्या किया? गांव वालों ने उन्हें वोट दी, उन्हें प्यार दिया, लेकिन गांव वालों को उन्हें वोट के बदले में बिजली का बिल दिया जिसकी कीमत 10-20 हजार नहीं, लाख 1.5 लाख 2 लाख एक जगह को उड़क दिया था। जब से सूडू गांव में इतने बिजली के छप्पे पड़े, किसी का 1 लाख का बिल, किसी का 2 लाख का बिल, किसी का 2.5 लाख का बिल, तो हमें ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, 19 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होनी है। हम इस वक्त है मुजफ्फरनगर के गांव सूरडो में, मुस्लिम बहुल गांव माना जाता है, शहर से सटा हुआ है, हालांकि अब तक गांव था, अब नगर निकाय में ये अक्षेत्र आ चुका है। बड़ी तादाद में यहां इस वक्त मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं, और उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये मुस्लिम समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे संजीव बालियान जी के को सुनने के लिए। तो किस तरीके का माहौल सूरडू में अभी है, आप प्रधान पुत्र हैं यहाँ पे, तो क्या माहौल आप महसूस कर रहे हैं अभी? नहीं, जीत होगी जी निश्चित, डॉक्टर संजीव बालियान अगर कोई कोठी पे चला जाता है तुरंत बगैर पूछो, बगैर जाति पूछो, बगैर धर्म पूछो, फोन कर देते हैं अधिकारी को, तहसील का काम हो, कचहरी का काम हो, कोर्ट का काम हो। जब आदमी, हमें गरीबों को क्या चाहिए, गरीब जनता को राशन और राशन चाहिए, पेंशन चाहिए, गरीबों के काम होने चाहिए, बिजली की समस्या हो भी, ट्रांसफार्मर फूक गया था, कौन रख रहा है सब चीजें? ये सब चीजें हमारे डॉक्टर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हमारा ध्यान रख रहे और हमारे गांव में रह रहे हैं। अब तो इनका वैसे भी हक है, गांव सूजुडू को इन्हें वोट देनी चाहिए इंशाल्लाह। ज्यादा हम कहते नहीं, ये मान के चलो आप 80% वोट हम यहां से खिंचवा देंगे इनकी, डॉक्टर संजीव बालियान जी विकास इतना कराया उन्होंने, हम झूठ नहीं बोलने के, जितना काम हमारा कराया उन्होंने आज लोग किसी यहाँ किसी नेता ने, किसी नेता ने काम नहीं कराया। 80% मुस्लिम वोटों का आप दावा कर रहे हैं? भाई साहब मेरे यहाँ नहीं, निर्धन में, कुटेसरा में, पुरबालियान में और कुलहेड़ी में अड़के मुसलमान साथ है, लेकिन काम कर रहा वो आदमी, भाई संजीव बालियान काम कर रहा मुसलमानों के, भाई जो काम करेगा, चोकड़ा है, बजधाड़ा है, आप कहीं भी ढालो, बुढ़ाना में किसी भी जगह चले जाओ, जोले चले जाओ, आप मैं अकेला नहीं कह रहा, आप मुस्लिम आबादी में कहीं भी चले जाओ संजीव बालियान को वोट देंगे, और अब क्या वो चीज होगी जो कह देते हैं ना उनको एक तरफा वोट डली, इंशाल्लाह एक तरफा वोट डाल के दिखाएंगे संजीव बालियान। सही कह रहे हैं जुनैद भाई, नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद साहिद है, और ये जो जुनैद भाई ने कहा बिल्कुल सच बात कही है, और हम तो देखो काम को सलाम है, आजकल
काम को सलाम है और काम करा रहे हैं संजू बालियान साहब, हमारे गांव में बहुत काम करा चुके हैं और हम जब भी किसी की जरूरत पड़ती है हम फोन करवाते हैं, हो जाता है हमारा फोन, ऐसी बात नहीं है। कोई पुलिस का काम हो, बिजली का काम हो, कैसा भी काम हो, हमारा सारे काम संजू बालियान साहब करा रहे हैं हमारे। तो हम वोट वोट संजू बालियान जी को दे रहे हो या बीजेपी को दे रहे हो? भाई साहब संजू बालियान को वोट दे रहे हम संजू बालियान से मतलब है। मैं वो मुद्दे याद नहीं आते जो बीजेपी अपने आप डिबेट में आती है, हिंदू मुस्लिम पे आप चुनाव ले जाने की कोशिश होती है, वो मुद्दे याद नहीं आ रहे आप? इस आदमी में चौधरी मनोवर जैसी झलक दिखाई देती है हमें, इसलिए हम संजीव बालियान जी के साथ हैं और साथ रहेंगे। 80% वोट कह रहे हैं जुनेद भाई, जुनेद भाई सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। 4 तारीख को जब बक्से खुलेंगे, बक्से के आप तो ईवीएम खुलेगी, लगी चेक होते हैं उसमें हम खड़े उतरते हैं, जो कहते हैं वही मिलती है। अभी जो पीछे चेयरमैन का इलेक्शन था, संजीव बालियान साहब ने कहा था एक बात, बोले भाई हमें वोट दिलवाओगे, हमने कहा जी कम से कम भी 3-4 हजार वोट हमारे गांव से जाएंगे आपके, तो 2900 कुछ वोट हमारे यहाँ से, हमने खुद वोट डलवाई 2900 कुछ वोट हमारी इस वार्ड से, और अब कह ये बड़ा चुनाव है तो इंशाल्लाह कोशिश तो ज्यादा करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं, जो जुबान दे देंगे इंशाल्लाह पक्के रहेंगे। अभी पीछे हमारे अभी पीछे आप बताओ चाचा सागर सागर अली अभी पीछे आए थे, हमने शिकायत करी थी जो हमें जीत पाए थे, कहने लगे जी वो हमारे तार बदले जाने हैं, अगले दिन ही तार बदले गए और अब से कम 20 गाड़ी आ चुकी गांव में, 20 गाड़ी तार हो गई, 20 गाड़ी तक सारा काम ही करवा रहे हमारा, हम तो उन्हीं के पीछे बालियान के पीछे, काम को सलाम है। एक ही फेरी का अगले दिन गाड़ी आ ली और 25 गाड़ी आ चुकी हमारे गोदाम में और अब भी 5 गाड़ी की आग रखी बस हमारी। इसका चुनाव भी आप लोगों ने यहाँ से ढोल बज के एक तरफ रहेगा सारा, एक तरफ एक तरफ इसके चुनाव में तो साइकिल चली थी, हाँ अब नहीं चलने की साइकिल, अब तो चल गई, अब तो पंचर हो गया, अब तो पंचर हो गया, फूल चलेगा साइकिल में, पंचर हो गया साइकिल में, पंचर हो गया वाकई ये कह रहे हैं, फूल खिलेगा यहाँ। देखो बात यह है, हमें संजू बालियान जी से मतलब है, हमें फूल से मतलब नहीं है, अगर वो दूसरे भी चुनाव जिनसे इलेक्शन लड़ते तब भी हम संजू बालियान जी के साथ थे, ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी की वजह से उनके साथ में है, वो किसी भी पार्टी से सिंबल लेकर चुनाव लड़ेंगे हम उनके साथ रहेंगे, तो साइकिल से या किसी चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। संजीव बालियान को वोट दे, संजीव बालियान जी को वोट देंगे, यहाँ डॉक्टर संजीव बालियान की अपनी वोट है, विवेक भाई साहब उनके भाई हैं, उन्होंने बहुत वर्क कर रखा है लोगों पे, उनके कार्य करा रखे, अगर यहाँ से गांव से कोई चला जाता है भाई साहब उसका सम्मान होता है, बैठो आओ चाय पियो फोन होगा, वे नहीं है अगर तो उनका पीए कागज लिख लेगा, काम लिखते ही फोन आवेगा मंत्री जी का, कहने लगे भाई तुम आए थे, बीच बीच में विवेक भाई साहब यहाँ चक्कर मारते रहे क्योंकि गांव में आ चुके हमारे सुजुड़ में, गांव में रह रहे तो गांव साथ देगा, ऐसा नहीं है, इतना भी वो टाइम नहीं बदला, ये जो काम आदमी कर रहा है उसे आदमी भूल जा, भीड़ वैसी नहीं है, बुराई भीड़ नहीं है, ये अपना परिवार समझते हैं संजू बालियान को, सिर्फ अपना परिवार, यहाँ से ये भीड़ बुलाई हुई दिखाई दे रही होगी आपको, कितने आदमी दिखाई दे रहे हैं आप नजर मारो यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये लोग अपने आप उत्साह के साथ भारी भरकम भीड़ के साथ लोग आए हैं यहाँ पे, भीड़ तो दिख रही, ढोल भी बज रहे, लोग नाच भी रहे, कभी हम खाली नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, वोट भी मिलेगी, पहले भी वोट दी, आपके भी दी, उससे पहले भी दी, ये आदमी ऐसे नहीं बैठते सारे बगैर वोटों के नहीं बैठते, एक का वोट मिलेगी, एक का वोट मिलेगी, आप जाओ किसी से भी पूछ लो, सारे अपने हर आदमी यही कहेगा कि संजू बालियान को वोट दे रहे हम, तमाम भीड़ में आप जाके पता कर लो, पहले तो संजू बालियान के पीछे हम सब, और उस संजू बालियान के बाद जुनेद के पीछे, जुनेद जाके आएगा इंशाल्लाह वहां उठ जाओगे, जुनेद के पीछे ये जो भीड़ बैठी है, ये भीड़ क्या करवा रहे हो, क्या कह रहे हैं लोग, आज ने संजू बालियान के साथ में, हम सब संजू बालियान के साथ हैं, पाइसमा कहा थे जी, विधानसभा का चुनाव हुआ अभी, पंकज मलिक चुनाव लड़ रहे थे, जब कहा थे आप जी, जब भी यही थे हम, हाँ जब भी यही थे, वजह क्या है, वजह क्या है, हालांकि बीजेपी मानते हैं भाई मुस्लिम विरोधी पार्टी बीजेपी को कहा जाता है, फिर भी आप लोग मान लो इतनी बड़ी तादाद में कह रहे हैं कि हम
वोट देंगे। जब हमारा साथ दे रहे हैं तो हम भी उनके साथ ही है जी, उनके साथ है। हम तो प्रधान जी के साथ जी, प्रधान जी के साथ है हम, और खुल के साथ है। हाँ, प्रधान जी के साथ है जुनैद की। प्रधान जी कहेंगे बीजेपी का बटन दबा दो, दबा दोगे? बिल्कुल दबेगा, बराबर दबेगा। वही जाके जहाँ भी प्रधान जी कहेंगे उनको वहाँ वोट गिरना, वही गिरेगा। अब से नहीं, पहले से ही साथ है और साथ ही रहेंगे। क्यों चाचा ऐसा माहौल क्यों बन रहा है सोच रू में? भाई वोट जुनैद है, ये लड़का जो है ये बहुत मेहनत करता है, जो भी काम जाता है कोठी पे इसके तुरंत काम होता है। तो फिर जैसे ये कह रहेगा हम तो ऐसे ही चलेंगे ना भाई, जुनैद के पीछे हम, तो जो जुनैद करेगा ऐसे ही। संजीव बालियान के लिए कहेगा तो संजीव बालियान की ओर देंगे। हरेंद्र मलिक जी का व्यवहार, पंकज मलिक का व्यवहार आपको आकर्षित नहीं करता? उनसे हमें मतलब नहीं है, उनसे मतलब नहीं है हमें। यहाँ तो सब बालियान के हैं, सब बालियान को वोट देने वाले। क्या नाम है दोस्त जी? मोहम्मद वसीम। वसीम, वसीम क्या नाराजगी होगी आपकी हरेंद्र मलिक जी से, पंकज मलिक से, अगर आप इतनी बड़ी तादाद में हाथ जुट के और संजीव बालियान को समर्थन का ऐलान कर रहे? देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ना हमें संजीव क्या नाम हरेंद्र मलिक जी से कोई नाराजगी है, ना पंकज बालियान जी से है, हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं। विधायक जी से हमें तो अपने मंत्री जी का जो काम करने का तरीका है उस पे जो है हम आकर्षित हो रहे जी। लोग कहते हैं कि भाई कुछ छीटा कसी करने वाले लोग कहते हैं कि इस पार्टी को मुस्लिमों की वोट की मुस्लिमों की जरूरत नहीं। आज मंत्री जी हमारे बीच आ रहे हैं, इस बात से साबित हो जाएगा। और उनको जो ये लोग जवाब देते हैं, हमें कहते हैं कि मुस्लिमों की इस सरकार को जरूरत नहीं है, आज उनके मुंह पे काली कूद जाएगी। मंत्री जी यहाँ आके उस बात का बिल्कुल खंडन कर देंगे। और मेरा पूरा गांव पूरे तहे दिल से ये रिकॉर्ड बनाने जा रहा, इसकी गूंज दिल्ली तक जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। पूरे गांव की वोट झड़ा मंत्री जी को जाएगी। हमें सिर्फ मंत्री से मतलब है, मंत्री संजीव बालियान जी को पूरा सुरडू दिलो जान के साथ सपोर्ट करेगा, वोट देगा और उनके लिए दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद ये करते हैं कि वे हैट्रिक मारेंगे, तीसरी बार मंत्री जी कैबिनेट के मंत्री बनकर आएंगे, ये मेरे दिल से तमन्ना है जी। पूरे गांव वासियों की तरफ से मेरा संदेश है ये बात। सही कह रहे हो वसीम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही। मंत्री जी को यह वोट क्यों है? बस लाइक कर रहे हैं लोग, प्रधान जी का साथ है। एक मत तो यार, अभी 22 में आप लोगों ने पंकज मलिक जीता है, यहाँ से शुरू से आखिर में जीतते हैं पंकज मलिक। हमने तो अभी चेयरमैनी में गौरव स्वरूप जी को जिताया, और अब 24 में फिर संजीव बालियान जी को जिताएंगे। हमने पहले भी संजीव बालियान जी को जिताया और अब फिर जिता, इंशाल्लाह पूरा गांव साथ। 4000 वोटों का वादा करा था, 4000 वोटों का वादा। जहाँ कुछ मौजूद लोग भी बैठे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। बड़े भैया क्या नाम है आपका? जाफर अली। जाफर अली, जाफर अली। तो क्यों इस बार मान लो आप यहाँ मंत्री जी आ रहे हैं आज, उनके स्वागत के लिए आए इतनी बड़ी तादाद में, वो भी मुस्लिम समाज के लोग जुटे हैं, वजह क्या है? वजह तो सब कुछ ही है इसकी भाई, वोट तो इसे ही देंगे हम, हर देते आए इसे ही। वजह क्या है? मुस्लिम माना जाता है भाई, मुस्लिम वोट तो बीजेपी की तरफ चलते नहीं। अपना भाई है, काम भी करा रहे, अपना भाई है, काम करा रहे। बड़े भैया सांस कुछ लंबी सी ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? शकील। शकील, शकील। तो क्यों आप मान लो रात के यहाँ 9:30 बज चुके लगभग, आप लोग यहाँ हजारों की तादाद में जमा है, सिर्फ जमावड़ा है लोगों का या वोट भी है इस भीड़ में? वोट भी है, वोट भी है, वोट देंगे। समाजवादी पार्टी की कीमत पे, साइकिल के चुनाव चिन्ह की कीमत पे, अखिलेश यादव की कीमत पे आप बीजेपी को क्यों वोट दे रहे? जी वो तो देनी पड़ेगी वोट तो हमें, जब हमारे दौरा आ रहे तो हम देंगे वोट। हमारा काम भी तो करा रहे हैं, जब हमारे दौरा आ रहे तो हम वोट देंगे। भाग रहे जब पहले भी दी, अब यही तोड़ेगा, पहले भी दी हमने। बड़े मियां क्या वजह है कि आप लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं इस बार? भाई दे रहे या नहीं दे रहे? पहले तो ही वोट देंगे जी, जरूर देंगे। और किन देंगे? देंगे भाई, काम अच्छा कर रहे तो देंगे, नहीं देंगे साथ रहेंगे भाई हमारा।
हमारा भाई है, साथ देंगे भाई पूरा। भाई तो दूसरे भी हैं भाई, जब काम अच्छा करेगा वही सुख से देने पड़ेंगे, जब काम अच्छा कर रहे तो उन्हें देंगे। इसलिए भाई हरिंदर मलिक माने जाता है भाई एक सामाजिक सौहार्द कायम करने वाले नेता है, तो भी हरिंदर मलिक की बनिस्पत आपकी पसंद संजीव बालियान क्यों है? संजीव बालियान काम कर रहा, मेहनत से साथ लग रहा, तो उसी के साथ रहेंगे इंशाल्लाह, उसी के साथ रहेंगे भाई, जो काम कर रहा है उसी के साथ रहेंगे। जब जो कोई काम नहीं, संजीव बालियान को वोट दे रहे हो कि भाजपा को वोट दे रहे हो? नहीं, संजीव बालियान को वोट देंगे हम तो, भाजपा को था जब वही बात है, उस मुस्लिम को था जब वही बात है, हमारे लिए एक बात है सब। आपकी पसंद संजीव बालियान है इसलिए वोट दे रहे हो या भाजपा आपकी पसंद है? पसंद है। पसंद कौन है, संजीव बालियान है भाजपा? हमारे काम तो संजीव बालियान करेगा, कोई और थोड़ा ही करेगा, जब हम जा रहे हैं तो हमारे साथ खड़ा हो जाओ, और क्या चाहिए हमें बताओ, हम तो उसी वोट दे, हाथ को हाथ धोया, जब वो हमारे साथ है तो हम उसके साथ है, यानी मान लो के बस। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, बड़े में कुछ बोलना चाहोगे? बैठ तो गए स्टेज पे, माइक भी हाथ में होगा, बोलना तो पड़ेगा आपको। क्या क्या माहौल महसूस कर रहे हैं? माहौल महसूस कर रहे हैं, संजीव बालियान जी को ही वोट देंगे सब। मेरे मन में कितनी देर से सवाल उठ रहा, क्यों? उन्होंने काम करा है हमारे यहाँ सुजुड़ में, बहुत आदमी के हमारे खुद के जी सब काम एक फोन पे ही करा दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने, और 10-12 साल से वो मेरे साथ भी रहे पहले। कभी ऐसा हो या भीड़ देखे, मजमा देखे पूरा, और ईवीएम निकला खाली? जी नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ईवीएम खाली निकलने के भरी निकलेंगे यहाँ से जी, भरी तो निकलेगी, पर निकलेगी किसकी? नहीं, संजीव बालियान जी की, फूल पे लगाएंगे मोहर, फूल की निकलेगी जी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फूल की निकलेगी। चलो भाई जी, आप आगरी कर दूंगा, वजह बता दो क्यों? वजह काम के नेता है संजीव बालियान, जो भी किस काम को जाते हैं फौरन काम होता है, बगैर किसी झिझक के, तो वोट तो उनकी बनती है। वोट तो उनकी बनती है संजीव बालियान की, जब भी कभी कोई काम के लिए गए फौरन हमारा काम हुआ, वोट तो फिर देनी है हमें। तो क्या व्यवहार के आधार पर आप लोग वोट दे रहे हैं? नाम बताओ भाई। मेरा नाम परवेज राणा है, और भाई साहब हमने पहले पंकज मलिक जी को वोट दी थी, और उसे हमारे गांव ने विधायक बना के विधानसभा पहुंचाने का काम करा था, लेकिन उन्होंने गांव वालों के साथ क्या किया, गांव वालों ने उन्हें वोट दी, उन्हें प्यार दिया, लेकिन गांव वालों को उन्हें वोट के बदले में बिजली का बिल दिया, जिसकी कीमत 10-20 हजार नहीं, 1-1.5 लाख, 2 लाख, एक जगह को उड़क दिया था। जब से सूडू गांव में इतने बिजली के छप्पे पड़े, किसी का 1 लाख का बिल, किसी का 2 लाख का बिल, किसी का 2.5 लाख का बिल, तो हमें ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए, हमें संजीव बालियान जैसा वो चाहिए मंत्री, जो अधिकारी की आंखों में आग गेर के बात कर सके। सूडू गांव विकास का भुक्का नहीं है, न किसी काम का भुक्का है, सूडू गांव प्यार का भुक्का है, इसे प्यार चाहिए। हम मंत्री जी से कहना चाहते हैं, अगर संजीव बालियान जी सूडू वालों की तरफ एक कदम उठाएंगे तो हम उनकी तरफ 50 कदम बढ़ाएंगे। एक बार वो हमें गले लगा के देखे, हम विश्वास दिलाते हैं, इतिहास गवाह है कि सूगड़ू गांव जिस पे मेहरबान हो गया, इंशाल्लाह उसका बेटा पार हो गया। जय हिंद, जय भाजपा, जय योगी, जय मोदी। एक बात बताओ, बिजली के बड़े हुए बिल आए तो पंकज मलिक ने कौन से बिल बढ़वा दिए भाई? ये तो सरकार की खामी थी। नहीं, उन्होंने जय को घुटक दिया था उन्होंने, और उनपे फिर कुछ का कुछ नहीं हुआ, फिर उसने हमारे पे फिर सुरडू गांव में एक का घर में छापा पड़ा बिजली का जी। तो पंकज मलिक आपके आवाज उठाने में कामयाब नहीं रहे? नहीं नहीं, कामयाब नहीं है, कोई आवाज नहीं उठाई, दब गई आवाज, नहीं कि वही दबाई गई।
तो बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद है सुजड़ू में आज कई जगह पे स्वागत हुआ संजीव बालियान का। मजमा तो बड़ा है और लोग कह भी रहे हैं, वोट दे रहे हैं संजीव बालियान जी को, कह रहे हैं कि उनके व्यवहार के आधार पर वोट दे रहे हैं, वोट बीजेपी को नहीं, लोग यहाँ वोट दे रहे हैं संजीव बालियान को। लेकिन वास्तव में क्या ईवीएम में ये वोट जाएंगी या फिर जब 4 जून को ईवीएम खुलेगी तो नतीजा कुछ और ही निकलेगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा।